अभी के हम वीडियो में जानेंगे किसी फाइल को हम हाइड कैसे करते हैं, या कोई फाइल हाइड हो गया है तो हम उसे फिर से शो कैसे करेंगे। पहले हम हाइड कर लेते हैं, फिर उसी को हम शो करेंगे और जान लेंगे। चलिए, यहाँ पे हमारे पास मूवीज़ नाम का एक फोल्डर है, इसे हम हाइड करते हैं। राइट क्लिक करेंगे इस पर, सबसे नीचे प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हिडन नाम का फोल्डर है यहाँ पे, इसे हम हिडन वाले को क्लिक करेंगे और अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करते समय हमसे पूछा जा रहा है, दो ऑप्शन है, अप्लाई चेंज टू फोल्डर और सब फोल्डर। हम फोल्डर पर लगा रहे हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार देख लीजिएगा और ओके कीजिएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो मूवीज़ नाम का फोल्डर था वो नहीं आया, नहीं है, यानी वो हाइड हो गया है। अब हम इसे शो कैसे करेंगे या कैसे हम इसे खोजेंगे, तो आप यहाँ पे ऊपर कॉर्नर पे आ जाइएगा। यहाँ पे ऑर्गेनाइज नाम का आपको यहाँ पे दिख रहा है, ऑर्गेनाइज, इसे हम खोलेंगे। यहाँ पे फोल्डर एंड सर्च का ऑप्शन है, इसे हम खोलेंगे। फिर व्यू में जाएंगे, व्यू, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शो हिडन फाइल फोल्डर एंड ड्राइव्स, इसे हम क्लिक करेंगे, अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। अब आप देख पा रहे होंगे मूवीज़ नाम का जो फोल्डर था वो दिखने लग रहा है, लेकिन धुंधला धुंधला दिख रहा है, वो इसलिए कि वो हाइड है, लेकिन हमने हाइड फोल्डर को भी शो कर रखा है। अब हम इसे अनहाइड कैसे करेंगे, फिर से इस पर राइट क्लिक कर देंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और हिडन हटा देंगे, अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। अब देख पा रहे होंगे कि ये जो धुंधला दिख रहा था अब क्लियर दिख रहा है, यानी इस पर हिडन जो लगा हुआ था हाइड होने का, ये अब हट गया है। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल पर जाएँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर विजिट करें। थैंक्स।